हेलो प्यारे स्टूडेंट, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, क्वांटिटी थी, उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की। तो यूनिट ऑफ लेंथ की जब बात करते हैं, तो लेंथ की जो यूनिट मानी गई थी वो एसआई सिस्टम द्वारा क्या बताई गई थी, मीटर बताई गई थी। एसआई यूनिट्स क्या थी इसकी, मीटर थी। उसके बाद इसी मीटर को डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल ब्यूरो में, और उसे कैसे डिफाइन किया गया था तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो 2 पॉइंट है मेरे पास, 2 फिक्स्ड पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। इन 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी दो डिस्टेंस बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। इसको क्या कहा गया था, लेंथ कहा गया था। उसके बाद बताया गया था 1960 में फ्रांस के द्वारा, ये बताया गया था कि मीटर की जो डेफिनेशन बताई गई थी वो ये बताई गई थी, एक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के परमाणुओं द्वारा परमाणु विसर्जन नली में उत्सर्जित होने वाली नारंगी लाल तरंगे 1650763.73 तरंगे आती है। तो ये किसने बताया था, ये 1960 में फ्रांस द्वारा इस डेफिनेशन को बताया गया था। 1960 में फ्रांस द्वारा इस डेफिनेशन को, फ्रांस सिस्टम में पहले मीटर की जो डेफिनेशन थी ये बताई गई थी। क्या बताई गई थी, एक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के परमाणुओं द्वारा गैस विसर्जन नली में उत्सर्जित होने वाली नारंगी लाल प्रकाश की तरंगे जो थी वो इतनी आती थी। कितनी आती थी, 1650763.73 तरंगे आती थी। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ्स इन अ वैक्यूम ऑफ, वेवलेंथ्स इन ए वैक्यूम ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन थे इसके करस्पॉन्डिंग, जब भी वैक्यूम में अगर रेडिएशन होते थे करस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड, ठीक है, जितनी भी ऑरेंज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 86 ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई थी, क्रिप्टॉन एटम्स 86 जो था वो क्या था, एटम था। यानी इसके बारे में बताया गया क्योंकि क्रिप्टॉन 86 एक स्पेशल टाइप का आइसोटोप्स होता था जिसका यूज किया गया था। तो एक मीटर जो है हमारे 1650763.73 वेवलेंथ इन अ वैक्यूम ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड लाइट ऑफ अ क्रिप्टॉन 86। तो ये डेफिनेशन थी 1 मीटर की। अब उसके बाद इस डेफिनेशन को चेंज किया गया 1983 में, जब हमने मीटर की बात की थी तो मीटर के लिए एक और डेफिनेशन दी गई थी, वो थी 1983 में क्या बताया गया था कि अगर कोई भी लाइट किसी वैक्यूम में इतने सेकंड में भाग में इतनी दूरी तय करती है तो वो उसका एक मीटर होता था। या इन 1983 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1/299979245 सेकंड इज कॉल्ड अ 1 मीटर। तो ये डेफिनेशन बताई गई थी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वैक्यूम इन 1/299792458 इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में इतनी जो डिस्टेंस तय की गई थी 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। इसी को क्या कहा गया, 1 मीटर के इक्वल माना गया। क्योंकि जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं किसी भी वैक्यूम में तो उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस को कवर करती है, और उसी
जब डिस्टेंस कवर हुई तो उसे ही एक मीटर की डेफिनेशन दे दिया गया, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग एक मानक वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक सेकंड के 299792458 में भाग में तय करता है। और अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वैक्यूम इन 1,29,97,92,458 इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। तो ये होती है हमारी यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर होती है। अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लेंथ कहा था, और ये हमने डेफिनेशन बताई। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट ऑफ मास की। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मास की। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ मास, ठीक है, ये हमारी सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इसकी जो यूनिट बताई गई थी वो किलोग्राम बताई गई थी। क्या थी इसकी यूनिट? किलोग्राम, ठीक। मास को जब डिफाइन किया गया तो मास को बताया गया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी द्वारा, सॉरी, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन अ बॉडी, अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, द अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन अ बॉडी, किसी भी बॉडी द्वारा कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन की जाती है ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ अ बॉडी, इज कॉल्ड मास ऑफ ए, उस बॉडी का मास उसे कहा जाता था, ठीक है। द्रव्यमान कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। अब इसकी भी डेफिनेशन, कई डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक है, और इसकी भी हम बाद में डेफिनेशन चेंज की गई। 2 साल पहले इसकी भी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किलोग्राम की बात करते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू, अगर हम 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो मास ऑफ अ 1 लीटर, मास ऑफ ए 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेफिनेशन पहले बताई गई। इसमें क्या बताया गया, अगर हम कोई भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 1 लीटर वॉल्यूम को ही किसके इक्वल मान लिया, यानी 1 लीटर वॉल्यूम के मास को किसके इक्वल माना था, 1 kg के इक्वल माना गया था। कहने का मतलब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी का या जल का आयतन था, 1 लीटर जल का आयतन जो था उसका द्रव्यमान 1 kg के इक्वल माना गया। ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सीबीएसई में क्या लिखेंगे, 1 kg इक्वल टू मास ऑफ ए 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ अ वॉटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहली डेफिनेशन थी हमारी किलोग्राम की। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन थी वो लगभग 1889 में बताई गई थी कि जो मास होता है किसी सिलेंडर का वो किसका बना हुआ होता था, प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय का बना रहता था, ठीक है। ये हमें किसने मेजर किया था, वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। सॉरी, जो मास होता है सिलेंडर का वो हमेशा प्लेटिनम और इरिडियम के अलॉय का बना होता था, और वही उसने जो जब मेजर किया गया था तो वो डिफाइन किया गया था 1 kg के इक्वल, ठीक है ना। और इसी डेफिनेशन को आगे चल के बदला गया था। तो लिख सकते हैं अगर 1889 की बात करें तो 1889 में जो यूनिट ऑफ मास थी वो क्या थी, द मास ऑफ ए सिलेंडर इज मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का बना हुआ सिलेंडर था, ठीक, कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इज डिफाइंड 1 kg। तो इसी को उन्होंने किसके इक्वल माना था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स ने इसको 1 kg के इक्वल मेजर किया था। इसको डिफाइन क्या किया था, 1 kg। इसी डेफिनेशन को आगे चल के 20 मई
1919 में लगभग 1919 टू ईयर्स एगो 20 मई को नई डेफिनेशन आई और उसने क्या डिफाइन किया था कि जो हमारा 1 kg होता है वो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल बता दिया गया। ठीक है, 1 kg किसके अकॉर्डिंग बताया गया था, प्लांक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बताया गया था, प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी H इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻³। ठीक है, −34 kg/s² हुआ करती थी, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू थी। और यहां पे जब इसको दिया गया था तो केवल जो बैलेंस था उसके ऊपर इसको प्रिसिसाइज किया गया था। जब वेट को मेजर किया गया तो उन्होंने देखा यहाँ पे एक परमानेंट वैल्यू आ रही है हमारी प्लांक कांस्टेंट की, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ m/s, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए प्लांक कांस्टेंट पे डिपेंड करके इन्होंने एक डेफिनेशन दी मास की, तो वो ही वन किलोग्राम की, तो उसको ही सभी ने माना भी। और इसी के द्वारा अब रिसेंट ईयर में जब भी हम मेजर करेंगे किसी भी किलोग्राम को तो यही मेजर की जाएगी, और वो डिपेंड किस पे होगी, डिफाइन किस पे होगी, प्लांक कांस्टेंट पे, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.626 × 10⁻³ m² के मानी गई। और ये केवल बैलेंस्ड पे, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट में E इज इक्वल टू एच म्यू बताया गया था, जो कि प्लांक कांस्टेंट की इक्वेशन होती है एनर्जी के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे फोटोन के बारे में बताया गया था, फोटोन को हम क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि फोटोन जो होती है छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो किसी भी वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती है तो 3×10⁸ m/s के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी, और वो अनचेंज रहती है और ये परमानेंट रहेगी। लेकिन इस डेफिनेशन में क्या है, चेंजिंग हो रही थी, इसलिए परमानेंट डेफिनेशन, न्यू जो 1 kg की डेफिनेशन है वो यहां पे बताई गई। तो ये थी हमारी यूनिट ऑफ मास। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो जो टाइम की यूनिट होती थी वो हमें सेकंड बताई गई थी। क्या बताई गई थी? टाइम की यूनिट सेकंड बताई गई थी। जब भी हम यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी यानी एक एटॉमिक वॉच ली गई, जिसमें सीजियम-133 के एटम्स थे। तो उसमें देखा गया वो वाइब्रेशन कर रही थी, कितना वाइब्रेशन कर रही थी, इतने टाइम्स उसने 1 सेकंड में वाइब्रेशन किया था, या उसने पार्टिकुलर जो रेडिएशन दिए थे सीजियम-133 एटम्स में तो वो इतने थे, हमारी उनकी संख्या कितनी थी, 9192631770। ठीक है ना, तो यही डेफिनेशन किसकी बताई गई थी, 1 सेकंड की। तो लिख सकते हैं इसको कि 1 सेकंड इक्वल टू, अगर हमसे कोई पूछे 1 सेकंड इक्वल टू किसके होता है, 9192631770। ये किसी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, पता नहीं है, हो भी सकता है ना। तो 10 नंबर का ये है, खुद देख सकते हो, तो ये मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो 1 सेकंड में इतने, ठीक है, टाइम पीरियड्स ऑफ ए पार्टिकुलर रेडिएशन, जितने भी पार्टिकुलर रेडिएशन थे, ठीक है, रेडिएशन ऑफ सीजियम-133 एटम्स, ठीक है, इतने में उत्सर्जित 1 सेकंड के अंदर इतना टाइम पीरियड ये बताया गया था, जो रेडिएशन हुआ था फ्रॉम सीजियम एटम के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ भाई, ये 1 सेकंड में इतनी बार तो पार्टिकुलर रेडिएशन हो गया हमारा, कि इतनी बार उसने क्या था, अपने जो रेडिएशन थे या जो उत्सर्जित किरणें थी तो वो कंपन कर रही थी, वाइब्रेशन कर रहे थे 1 सेकंड के अंदर सीजियम एटम में, तो ये ही 1 सेकंड के इक्वल बता दिया गया। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर था वो केल्विन था, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या थी, यूनिट ऑफ टेम्परेचर थे।
केल्विन ने ही इसके बारे में बताया भी था। तो कहा जाता है कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.6 पार्ट ऑफ अ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, पार्ट ऑफ अ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है उसका जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर है वो 1 केल्विन के इक्वल बताया गया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर जो था, ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए वाटर वो किसके इक्वल बताया गया था, 1 केल्विन के इक्वल माना गया था। इतना जो भाग होता है ऊष्मागतिकी का त्रिक बिंदु पे जल के, इसे जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी तापमान का इतना वह भाग है वो 1 केल्विन के द्वारा 1 केल्विन माना गया था, ठीक है, ये डिफाइन किया गया था। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर अगर हम गलते हुए आइस का टेम्परेचर और उबलते हुए यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर के डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका जो 100वां पार्ट होता है उसको भी हम 1 केल्विन कहते थे। क्या कहते थे? 1 केल्विन कहते थे, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के बीच के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है हमारी इसकी केल्विन की। क्या लिख सकते हैं? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर बर्फ के गलते हुए ताप तथा पानी के उबलते या जल के उबलते हुए ताप के अंतर के 100वें भाग को हम क्या कहते थे? 1 केल्विन कहते थे, ठीक है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन द, अगर बोला जाए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ वॉटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ वॉटर, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 पार्ट्स ऑफ इज इक्वल टू द 100 पार्ट्स ऑफ 1 केल्विन, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट ऑफ टाइम और ये क्या था हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट की। तो ये यूनिट ऑफ करंट क्या होता था, है ना। तो यूनिट जो करंट की यूनिट थी वो हमारी एम्पियर होती थी। करंट की यूनिट क्या होती थी? एम्पियर, ठीक। अब मान के चलिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ये क्या है, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक। अब कंडक्टर में क्या होता था, अगर एक सेकंड में, इसमें क्या है, इस कंडक्टर से एक सेकंड में अगर 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास हो जाएं, इलेक्ट्रॉन क्या हो, पास हो जाएं, तो इसमें जो भी करंट इंक्रीज होगी वही उसकी एक एम्पियर के इक्वल होगी, वही क्या होगी, एक एम्पियर के इक्वल होगी, ठीक है ना। जब किसी भी कंडक्टर में एक सेकंड में 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो उसमें करंट इंक्रीज करता है और वो जो करंट इंक्रीज कर रहा है वही एक एम्पियर के इक्वल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एम्पियर की डिफाइन हम कर सकते हैं। मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन से यहां से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, इस कंडक्टर से जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी करंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो करंट किसके इक्वल मानी गई, 1 एम्पियर के इक्वल मानी गई, क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज फ्लो ऑफ, रेट चेंज ऑफ फ्लो, है ना, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हमने क्या कहा था, यहाँ पे करंट कहा था, क्या कहा था, करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसकी यूनिट क्या होती थी, एम्पियर, इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर। एक और डेफिनेशन बताई गई थी इसमें करंट एम्पियर की, कि जब हम कोई ठीक है, दो कंडक्टर लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग थे, स्ट्रेट कंडक्टर थे और एक दूसरे के पैरेलल थे, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसको हमने नेगलेक्ट कर रखा था, ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर की थी। जब इसमें से कोई करंट फ्लो करती थी तो करंट के फ्लो करने पर, किसी भी वैक्यूम में करंट जब फ्लो हो रही थी तो उसमें जैसे ही हमने इतनी फोर्स लगाई, यानी जो फोर्स थी वो प्रोड्यूस हो रही थी 2×10⁻¹⁷ न्यूटन के,
कितनी प्रोड्यूस हो रही थी इन दोनों के बीच में, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, हो सकता है वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स हो, तो 2 × 10⁻⁷ जो न्यूटन फोर्स थी वो यहाँ पे इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में वो फोर्स प्रोड्यूस हुई वैक्यूम के अंदर, तो वही हमारी क्या था एम्पियर के द्वारा डिफाइन किया गया था। तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द करंट विच फ्लो थ्रू आ टू कंडक्टर्स इनफाइनाइटली ठीक है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर सॉरी फ्लो थ्रू आ इनफाइनाइटली इसे रहने को थ्रो आ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ठीक है। अब यहां पे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ अ नेगजेबल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया placed at a distance of one meter in a vacuum produces a force 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बिटवीन देम ठीक है। ये कोई हमने क्या किया था या इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लिख सकते हैं ठीक। तो ये बोला गया था कि इट इज द करंट विच फ्लो थ्रू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ नेगजेबल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter इन अ वैक्यूम प्रोड्यूसेज अ फोर्स बिटवीन देम। इतनी फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस की गई। या ये भी लिखते हैं दो कंडक्टर लिए इनमें वायर लगा हुआ था। अब इन दोनों कंडक्टर क्या थे, ये पैरेलल कंडक्टर थे और इनफाइनाइटली लॉन्ग थे, तो इनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे 1 meter की दूरी पर डिस्टेंस पे जब यहां से करंट अगर फ्लो कर रही थी तो वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, जो फोर्स प्रोड्यूस हुई थी उसकी वैल्यू क्या थी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन थी। तो इस इतना बल इस पर उत्पन्न होता है तो वो हमारी डेफिनेशन कहलाती है किसकी, एक एम्पियर की। किसकी डेफिनेशन होती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। तो 1 second इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻⁷। अगर किसी चालक में से लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हो किसी चालक में से 6.25 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो धारा का मान बढ़ता हुआ मान एक एम्पियर कहलाएगा। यह होती है हमारी किसकी यूनिट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि एक कंडक्टर दे रखा है और उसमें एक सेकंड में इतने अगर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उसमें जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है, तो वही एक एम्पियर बताया गया। दिस इज अ यूनिट ऑफ करंट। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी की। तो कैंडेला मानक प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 cm² क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होता है जब प्रकाश स्रोत का ताप प्लैटिनम के गलनांक के बराबर होता है ठीक है। ये डेफिनेशन बताई गई थी। और ये लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। तो जब एक कैंडेला को डिफाइन किया गया था तो 1 candela is equal to 1/60 part of the light intensity given out of the form of orifice of area
1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए होलो क्लोज्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी कैप्ट एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो ये बताया गया था कैंडेला के बारे में। कैंडेला में क्या गया था कि प्रकाश स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होती है, यानी जो लाइट इंटेंसिटी है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होता है जब प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के इक्वल हो जाता है। तो उसको क्या कहा गया था, कैंडेला माना गया। तो कैंडेला क्या होती है जब बात करते हैं, तो वन कैंडेला इज डिफाइंड एज द, अगर हम बात करें, वन कैंडेला इज डिफाइंड एज, वन अपॉन 60th पार्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो 1/60 पार्ट क्या है, लाइट इंटेंसिटी गिवन आउट फ्रॉम एन, ऑरिफिस यानी खुले भाग क्षेत्रफल के खुले पृष्ठ, ऑरिफिस ऑफ एरिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ ए, 1 सेंटीमीटर ऑफ ए यानी 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के भाग के इक्वल बताया गया। सो ऑफ ए होलो क्लोज्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैप्ट एट ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के इक्वल ये बताया गया था। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी का जो टेम्परेचर था वो प्लेटिनम के मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होता था। जब भी हम अगर कोई भी होलो सिलेंडर लेते हैं या होलो ब्लैक बॉडी पार्ट लेते हैं तो उसमें 1/60 पार्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी के ये इक्वल होता था, इसी को डिफाइन किया गया था। ये किसके इक्वल था, वन कैंडेला के इक्वल था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूज हम ज्यादातर केमिस्ट्री में करते हैं। किसमें करते हैं, केमिस्ट्री में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज में जब बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो मोल मानी गई। क्या मानी गई, मोल। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे तो कार्बन 12 के 12 परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को एक मोल कहा गया था। क्या कहा गया था, कार्बन 12 के 12 परमाणुओं में ठीक है, 12 परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा एक मोल कहलाती थी। उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती थी उसको ही हम क्या कहते थे, एक मोल कहते थे। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम होते हैं। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा एक मोल कहलाती है। ठीक है ना, ये बताया गया था। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज इन अ सिस्टम विच कंटेन्स मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सपोज दैट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर देयर आर सी 12 एटम्स इन अ 12 ग्राम, या ये कह सकते हैं जो 12 ग्राम एटम्स में कार्बन के 12 ग्राम एटम्स में कार्बन सी 12 के जितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस थे वो 1 मोल के इक्वल होते थे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होते थे, हमारे 1 मोल के इक्वल होते थे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी, मोल थी। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम एक मोल कहते थे। तो ये कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज
इन अ सिस्टम विच कंटेन्स एज अ मैनी पार्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, आर देयर आर 12 ग्राम एटम्स इन अ C12, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ अ एटम्स इन C12 में, कार्बन 12 के एटम्स में ये मिलते थे। सिंपल सी है, कार्बन 12 है, इसके अगर 12 ग्राम एटम्स में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज की मात्रा होती है, या मात्रा ही बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज होता है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी दो, जिनकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। पहली है एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं, इसमें जब भी यूनिट की बात करेंगे तो प्लेन एंगल्स के लिए यूनिट यूज की जाएगी, और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो हमारी रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। और रेडियन को जब भी डिफाइन किया जाता है, मान के चलिए ये मेरे पास एक रे है, ये दूसरी रे है, इनके बीच का जो भी एंगल बनाया गया वो डी थीटा होता है, इसकी जो आर्क होती है उसको मैंने ले लिया डी एस, ठीक, इसकी जो रेडियस है यहां से ओ पॉइंट से ये रेडियस कितनी होती है, आर, ठीक है। तो हम कहते भी हैं कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की चाप की त्रिज्या के बराबर, की लंबाई का चाप वृत्त के त्रिज्या के बराबर होता है या वृत्त के केंद्र पर अंतरित रहता है, ठीक है ना। तो इसको जब भी लिखते हैं तो एंगल इज इक्वल टू निकालते हैं, जब भी एंगल डी थीटा इज इक्वल टू यूज करते हैं, चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं, यानी आर्क के, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल मानते हैं, किसके, रेडियन को, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क मेरी क्या है, डीएस है, रेडियस क्या है, आर है, तो डी थीटा इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर, ये किसके इक्वल होती है, एक रेडियन के इक्वल होती है, ठीक है। तो वन रेडियन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल विच इंटरसेप्ट आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, जो सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का उसकी रेडियस के ये इक्वल होता है। तो इसको ही क्या कहा गया था, दिस इज अ यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल में रेडियन होती है। अगर हम कहें कि दो प्लेन लाइन है हमारे पास और उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। तो जब थीटा खींचा जाता है तो वो किस किस के बीच में होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क एंगल की यूनिट क्या होती है, हमारी रेडियन होती है। तो यही रेडियन किसके इक्वल माना गया था, वन रेडियन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल विच इंटरसेप्ट आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड वन रेडियन। लिख भी सकते हैं, रेडियन इज इक्वल टू द बिटवीन टू एंगल्स ऑफ ए रेडियाई ऑफ ए सर्किल इंटरसेप्ट ऑफ आर्क ऑफ ए रेडियस फ्रॉम अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी रेडियन थी। तो द रेडियन इज इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अ बिटवीन अ टू सर्किल्स आर रेडियाई ऑफ अ सर्किल, ठीक है, टू सर्किल विच इंटरसेप्ट ऑफ अ आर्क ऑफ अ रेडियस फ्रॉम अ सर्कमफेरेंस, आर्क इक्वल टू द रेडियस फ्रॉम अ सर्कमफेरेंस, सॉरी, आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, फ्रॉम अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। सर्कम ऑन द लिख सकते हैं इंग्लिश में थोड़ी परेशानी, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। तो ये क्या है, हमारा रेडियन है। तो रेडियन इज इक्वल टू द
एंगल्स ऑफ अ बिटवीन टू सर्किल ऑफ अ रेडियाई, या ये लिख सकते हैं ऑफ ए बिटवीन अ रेडियाई ऑफ अ सर्किल इंटरसेप्ट ऑफ आर इक्वल टू द रेडियस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ये किसके इक्वल होता था? रेडियन के इक्वल होता था। तीसरी जो बताई गई थी वो थी हमारी यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉरी दूसरा सप्लीमेंट्री था सॉलिड एंगल, ठीक है क्वांटिटी। इसकी जो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की, ठीक है। तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की जब बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है हमारी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का यूज कैसे करते हैं? जब भी स्टेरेडियन यूज की जाती है तो ये सॉलिड एंगल्स के लिए यूज करते हैं हम, जब भी इसकी बात करेंगे सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। मान के चलिए हमारे पास ये कोई सॉलिड है, ठीक है ठीक। अब इसका जो एरिया है वो डी ए है, इस पे जो एंगल बनना है वो हमारा क्या है? ये सॉलिड एंगल है डी फाइव, ठीक। तो जब इसके अगर हम मानेंगे तो ये चीज दी होती है, अगर हमारे पास मान के चलिए सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो एक स्पेयर है, ठीक। सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी भी स्पेयर है तो स्पेयर में जो स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है, वो हमेशा इक्वल रहता है रेडियस ऑफ द सर्किल के, या सेंटर ऑफ द स्पेयर के, रेडियस एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर के, जो भी हाँ स्पेयर का यूज करेंगे तो वो एरिया के इक्वल आता था। अब इसका जो फॉर्मूला बना था सॉलिड एंगल इज इक्वल टू किसके होता था? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे क्या निकल के आया कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोली पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित रहता है, ठीक है। क्या बोलेंगे यूपी बोर्ड वालों के लिए क्या डेफिनेशन होगी? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोली पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित रहता है। तो ये यूपी बोर्ड के लिए डेफिनेशन हो गई स्टेरेडियन की, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीबीएसई के लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। वन स्टेरेडियन इज दैट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑन द रेडियस इक्वल टू द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ठीक है। किसके इक्वल रहता है? सेंटर ऑफ द स्पेयर के इक्वल रहता है। या ये बोल सकते हैं जब हम किसी भी सरफेस को लेते हैं, सरफेस ऑफ अ, अगर हम बात करें कोई भी सरफेस दे रखा है किसी भी स्पेयर का, या सरफेस की जो भी साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, सरफेस की जितनी भी साइड्स दे रखी हैं वो इक्वल टू द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर होता है, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हैं वन स्टेरेडियन इज दैट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई द स्क्वायर ऑन द सरफेस द साइड्स ऑफ साइड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पेयर। तो ये क्या होता है? हमारा स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसमें से दो या तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। एक तो मीटर की डेफिनेशन याद रखना, और दूसरी डेफिनेशन याद रखना टाइम की, और तीसरी जो डेफिनेशन है वन मोल, ये पूछा जाता है वन मोल क्या होता है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम्स में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज होता है जितना भी एलिमेंट्री पार्टिकल में C12 के 12 ग्राम एटम्स के अंदर, तो वही हमारा क्या होता था? मोल होता था, ठीक। और ये दोनों पार्ट जो हैं वो हमारे किसके हैं? मैथ्स के पार्ट हैं।